बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्यूज इन डेवलपमेंट, हम दो इश्यूज को डिस्कस कर चुके हैं, आज हम तीसरे इशू को डिस्कस करेंगे, वो है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या है कि जब बच्चे की डेवलपमेंट थ्रू विरासत हो, थ्रू हेरिडिटी हो, तो उसको नेचर कहा जाता है, जबकि नर्चर क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट थ्रू इन्वायरमेंट हो, माहौल के जरिए हो, तो उसको कहा जाता है नर्चर। कुछ साइकोलॉजिस्ट इस बात पर यकीन रखते हैं कि डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का किरदार बहुत ज़्यादा है, और कुछ के नज़दीक डेवलपमेंट में हेरिडिटी का किरदार बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अरसा से बहस चली आ रही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं कहूँगा कि इन्वायरमेंट का किरदार बहुत ज़्यादा है, मैंने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इसी तरह अगर आप किसी दूसरे या तीसरे बंदे से पूछेंगे तो शायद वो कहेगा कि हेरिडिटी का किरदार बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये तमाम चीज़ें मुझे थ्रू हेरिडिटी मिली हैं, मुझे अपने वालिदैन से मिली हैं, इसलिए मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेरिडिटी का किरदार बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी अरसे से बहस चली आ रही है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ, ये बहुत लंबे अरसे से बहस चली आ रही है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेरिडिटी का किरदार इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वायरमेंट का किरदार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका कि कौन से ग्रुप का मौकफ दुरुस्त है, और अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो सका। ये मुख्तसर सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।